दोस्तों डेवलपर या फिर डेवलपमेंट कंपनी से आपको ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि आप कम अमाउंट पे कर रहे हो और आपको सर्विस लाइफ टाइम की मिलेगी। देखो क्या हुआ ना दोस्तों, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हालांकि मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन डेवलपमेंट कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनके पास वापस सेम चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, जब कोई एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी एक एप्लीकेशन का कॉस्ट बताती है, ठीक है, तो वो कॉस्ट बताती कैसे है ये आप पहले समझ के चलो। पहले वो आपके रिक्वायरमेंट को समझती है, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट पे कंपनी को कितना टाइम लगेगा और कितने डेवलपर्स यानी कितनी मैन पावर लगेगी उसको बनाने में। जैसे मान के चलिए अगर आपका एक एप्लीकेशन है, जो भी आपका एक्स वाई जेड रिक्वायरमेंट होगा, उस एप्लीकेशन को बनाने में कंपनी को अगर 45 डेज लग रहे हैं या फिर 60 डेज लग रहे हैं या फिर 30 डेज लग रहे हैं, ठीक है, अगर 30 डेज लग रहे हैं तो एक एप्लीकेशन पे मिनिमम 3 मैन पावर तो लगते ही हैं, ठीक है। अब 3 मैन पावर कौन से लगते हैं? पहला यूआई एंड यूएक्स डेवलपर यानी डिजाइनर जो पूरे एप्लीकेशन को डिजाइन करेगा, सेकंड बैकएंड डेवलपर, थर्ड फ्रंट एंड डेवलपर। बैकएंड यानी जो पूरा एडमिन पैनल को डिजाइन करेगा जो आपके पास रहता है, और जो यूजर ऐप रहता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए अलग रहता है, जैसे मान के चलो अगर आपने फ्लटर पे बनवाया तो फ्लटर का डेवलपर अलग होगा, बैकएंड के लिए पीएचपी पे अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो पीएचपी का डेवलपर अलग होगा, थर्ड उसका जो पूरा डिजाइनिंग होता है यूआई डिजाइन वो अलग होगा। आप तीनों की सैलरी भी काउंट करोगे ना, एप्लीकेशन अगर अच्छे लेवल पे लॉन्च करना है फिर जिस भी कंपनी को आप दे रहे हो उनके पास एक्सपीरियंस डेवलपर रहते हैं, तो मिनिमम तीनों की सैलरी आप मिनिमम मान के चलो डिजाइनर की आप 30 पकड़ लो, 40 पकड़ लो, और बाकी डेवलपर्स दो डेवलपर्स की आप 1 लाख रुपीज पकड़ लो, 50,000, ठीक है। तो 1,40,000 का या फिर 1.5 लाख का खर्चा कंपनी का हो जाता है, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है आपकी वो जो कि 30 डेज में होने वाला है। अब देखो 30 डेज भी वो वर्किंग डेज काउंट होते हैं, कभी भी इतना याद रखना। 30 डेज मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आज काम दिया तो ठीक 30 दिन बाद मैं मांगूंगा, नहीं, 30 वर्किंग डेज कभी भी आप काउंट करना जब कंपनी ने जो भी आपको टाइम दिया, 30 वर्किंग डेज। कभी भी आप ये मत सोचो कि जो उन्होंने आज टाइम दे दिया तो यहीं से स्टार्ट हो, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है, वर्किंग डेज नहीं होते सैटरडे संडे, वो काउंट भी नहीं करना चाहिए आपको। तो होता क्या है कि कंपनी का जो ये इन्वेस्टमेंट लग रहा है सैलरी में, उसके बाद कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करती है, उसके बाद जो भी वो अपना ऐड करे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी ऐड करे उसमें ही आपको वो डिस्काउंट करती है, बाकी डेवलपर का तो खर्चा जाने वाला है। अब इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, एक रिक्वायरमेंट जो भी आपने दिया उसमें जो 30 दिन लगने वाला है डेवलपमेंट कंपनी के। अब होता क्या है कि मान के चलो किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट पहले से रेडी है और वो उसका वाइट लेबल में सेल करना चाहते हैं, तो वो लोग उसको कम रेट में भी सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो प्रोजेक्ट रेडी है, वो लोग उसको 8 बार 10 बार सेल करने वाले, तो वहां से पूरा इनकम उन जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉफिट उनका हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट रेडी किया, एग्जांपल के तौर पे जैसे ड्रीम इलेवन जैसा एप्लीकेशन हमने रेडी कर लिया, ठीक है, अब उस एप्लीकेशन का हमें क्लोन बनाना हो, तो अगर मैं 50,000, देखो एक चीज़ और मान के चलो, अगर ड्रीम इलेवन जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो देखो यार ड्रीम इलेवन बहुत बड़ा ऐप है, वो करोड़ों खर्च करते हैं अपने डेवलपिंग टीम के ऊपर, तो आपको जैसा आप समटाइम मैं भी वीडियो में बोलता हूँ कि आपको इसके जैसा ऐप मिल जाएगा, तो यार वो क्लोन वैसा नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस उसमें, देखो ड्रीम इलेवन के जो आपको जो दिखता है ना कि ऐसा एप्लीकेशन है, एक्चुअल में सिर्फ उतना ही काम नहीं हुआ है, इसके ऊपर बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो चीज़ भी आप देखो कि अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट कंपनी ये बोलती कि सेम या फिर आपकी रिक्वायरमेंट आप समझाने के लिए किसी ऐप का रेफरेंस देते हो तो प्रॉपर तरीके से समझाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मेरे को ये फंक्शन ही चाहिए इसमें से। पूरा क्लोन का एक तो पहली बात आपको बहुत ज़्यादा रेट बता देंगे, और अगर कम रेट बताए तो भी क्लोन बना के तो नहीं दे पाएंगे आपको उसका, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं डेवलपिंग टीम के ऊपर। तो मान के चलो कि एक ड्रीम इलेवन जैसे का क्लोन में अगर मुझे सेल करना है, मैं 50,000 में भी बेच रहा हूँ, तो मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 5 लाख का लगा है, तो मैं अगर 10 भी बेच दिया मैंने तो भी मेरा वहाँ पे मतलब जो मेरा रिटर्न होता है वो आ जाता है। लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी कि यार आपको क्लोन मिला है तो पॉसिबिलिटी कम है कि आपको सर्विसेज ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज आपने रिक्वायरमेंट बेस आपने टेम्पलेट बेस बना लिया, यहाँ पे जस्ट आपने वाइट लेबल करके लिया, सेम टाइम पे जब आपने बनाया उसी टाइम पे सारे क्रॉस चेक कर लो आपने क्या और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें हैं, क्या बग्स हैं, उसी टाइम आप सॉल्व करा के ले लो बहुत लंबे समय तक। देखो डेवलपमेंट कंपनी जानती है प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि एक क्लाइंट जिसने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया है जस्ट एक 50,000 to 60,000 rupees और उसको लेके वो साल भर तक खेलते रहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं बता रहा, सभी डेवलपमेंट कंपनी की प्रॉब्लम है, और मुझे पता है ये वीडियो वो डेवलपर्स
या फिर वो डेवलपमेंट कंपनी जब देखेंगे तो कितना खुश होंगे, उनकी प्रॉब्लम जरूर मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है, अगर आप लोग समझते हो, या फिर अगर आप क्लाइंट हो तो यार आपको भी समझना चाहिए कि एक डेवलपमेंट कंपनी की प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपको क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब आप एक स्मॉल अमाउंट पे करके और आप जब एप्लीकेशन लेते हो तो लंबे समय तक आप नहीं कर पाते उसमें कुछ, या फिर वो मेरे को ऐसा लगता है आपको वो पैसा भी वेस्ट ही जाता होगा, ठीक है। तो जब भी मेरा एक सजेशन है, जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हो ना, तो पहले तो आप फुल प्रिपेयर रहो, आपकी रिक्वायरमेंट को आप समझो, देन आप कंपनी को बोलो। अगर टेम्पलेट बेस भी अगर आप ले रहे हो उनसे, तो वो टेम्पलेट बेस उनसे आप पहले ले लो कि भाई आपका एप्लीकेशन में दिखाओ, और वो आप खुद पहले चेक कर लो कि यस ये परफेक्ट है, उसके बाद आप उनसे डील करो। अदरवाइज क्या होगा कि यार मैंने मतलब आपने बोला कि उन्होंने बोल दिया कि उनके पास रेडी है टेम्पलेट बेस, और आपने पेमेंट भी कर दिया, और क्या पता उनके पास रेडी है या नहीं है, और फिर आपको एक स्मॉल अमाउंट के लिए, समझ रहे हो बात को, उसके पास रेडी भी नहीं था, स्मॉल अमाउंट के लिए उन्होंने स्ट्रगल भी किया, हो सकता है आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए। तो टेम्पलेट बेस में अगर आप बनवाने जा रहे हो तो पहले कंपनी से जो उन्होंने बनाया हुआ है वो लो, वो प्रोडक्ट को देखो अच्छे से, उसको चेक करो, उसके बाद में आप टेम्पलेट बेस का डील करो। अगर रिक्वायरमेंट बेस है तो अमाउंट अच्छा रखो, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से करोगे प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है, इस तरीके से आप जाओगे। तो सो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी और आपका जो मन में आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो अगर ठीक हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप मेरे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।